जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीदें आप सब अच्छे होंगे। आइए एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं मोड। दिए गए डाटा से हम मोड यानी कि बहुलक की गणना करेंगे, बहुलक, और समझेंगे कि बहुलक की गणना कैसे करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। आप देखेंगे एक तरफ आपका क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और दूसरी तरफ आपकी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी गई होगी। आपको करना क्या है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1, 2, 4, 3 में सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों हमारे पास 4 है। तो बस आपको करना ये है कि इस 4 को आप इस प्रकार से कॉलम बना दीजिए। अब ये जो 4 है ये आपका हो गया F1, ओके, F1 हो गया, और इससे ऊपर वाली संख्या हमारी हो गई F0, क्योंकि इससे पहले F0 और इसके नीचे वाली F2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आपने जो सबसे बड़ी संख्या है उसको F1 और उससे ऊपर वाले को F0, उसके बाद वाले को F2 कर लिया, काम खत्म। बस अगर इतना कर लिया, बस यही आपका प्रश्न हल हो जाता है बहुत आसान तरीके से। आपका फॉर्मूला है बहुलक यानी मोड निकालने का, ये फॉर्मूला है M0 मतलब बहुलक M=L+F1-F0 2F1-F0F2×H। अब आप कहेंगे कि ये सारी समस्याएं क्या है, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी है वो F1 हो गई, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2, बात खत्म। अब आप देखेंगे F1, F0 और F2 तो समझ में आ गया, अब ये L क्या है और H क्या है। तो बस मैंने कहा ना, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो सबसे बड़ी है उसके वर्ग अंतराल में जो छोटी लिमिट है, L का मतलब लिमिट, जो सबसे लोअर लिमिट है वो आपकी L हो जाएगी, ठीक है। और इनमें जितना गैप है वो आपका एच हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ आपको कुछ कहीं और जाना पड़े। बस यहीं ख़त्म, बहुलक और मोड की गणना ख़त्म। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो बड़ी संख्या है F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2, काम ख़त्म हो गया आपका। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसके वर्ग अंतराल की जो छोटी इकाई होगी वह हो जाएगा हमारा L। बताइए कोई समस्या है, नहीं समस्या। और इनमें गैप जितना होगा, जितना वर्ग अंतराल हो जाएगा, वो हमारा एच हो जाएगा। बस खत्म, समस्या खत्म, यही जवाब है, ऐसे ही हल करना है। अब बस F1, F2 और F0 निकालने के बाद, LH निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख दीजिए। इस फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। तो आइए कर लेते हैं। तो हमने देखा L हमारा यहाँ पे 4 और F1 हमारा यहाँ पे 4, F0 3 और F2 2 निकल के आया। हमने L की जगह पे यहाँ 4 रख दिया, F1 की जगह पे F1 हमने यहाँ पे 4 रख दिया, और F0 की जगह पे हमने F0 यहाँ पे 3 रख दिया। इसको हल करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हल करेंगे दोस्तों तो 4 2 8, 8 -5, क्योंकि -3 और -2 5 हो जाएगा, तो 8 -5 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ये मैथ के प्रॉब्लम है, वो तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4+, ये हो जाएगा 2/3, और 4+2/3 का आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12+2 यानी कि 14/3, 14/3, आपने 14/3 3/7 निकाल दिए। कितना आसान सा है बहुलक की गणना करना। मैं फिर से रिपीट करूं, चलिए रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए कि आप समझ गए हैं। और जब आप समझ गए हैं तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इस प्रश्न को आप हल करिए और मुझे इसका उत्तर बताइए। आपको इसका मोड निकालना है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, आप इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिएगा तो ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, इसके नीचे F2 हो जाएगा, समझ में आ रही बात। और इसी के सामने ये लोअर लिमिट L हो जाएगा, और इसका H कितना होगा, इन दोनों के बीच 50 का गैप है तो H 50 हो जाएगा। बस मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, आप मुझे आंसर बताइए कमेंट में कि इसका मोड कितना आया है, इसका बहुलक कितना आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपके कमेंट के बाद। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़िए, जय हिंद जय भारत, सब बखैर।